ओके, तो लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स। ठीक है, फाइन। इसमें बहुत सारी हाइलाइट्स तो ऐसी हो जाएगी जो सेम हो जाएगी, इलिप्स की तरह भी सेम होगी, पैराबोला की जैसी भी सेम हो जाएगी। तो मैं क्या कोशिश करूँगा, मैं तुम्हें समझा दूंगा पर मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं, फर्स्ट हाईलाइट। ठीक है, लिखते जाओ मेरे साथ, ऐसे लिख लो, लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ईदर फोकाई, ईदर फोकाई मतलब बोथ फोकाई, ईदर फोकाई ऑफ हाइपरबोला। अच्छा, इधर फोकाई का मतलब बहुत फोकाई नहीं, इधर फोकाई मतलब कहीं से भी तुम अगर ड्रॉप कर देते हो तो। ठीक है, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन एनी टेंजेंट इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, और ऑक्सिलरी सर्कल कैसे होता है इसका, ऐसे होता है दैट इज, ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर इज स्क्वायर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस। ठीक है, दैट इज बी स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं इसको, ठीक है, ये प्रॉपर्टी एकदम सेम है किसके तरह, इलिप्स के तरह एकदम सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सेम एज इलिप्स। ठीक है, जैसे इलिप्स में हमने क्या किया था, देखो जैसे मैं इलिप्स के लिए अगर तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, ऐसे हमने बनाया था इधर से, ठीक है, ये यहाँ पर ऑक्सिलरी सर्कल हो गया इस तरह से, फिर यहाँ पर क्या किया, इसमें इलिप्स बना दिया ऐसे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, किसी भी पॉइंट पर तुम क्या करो, टेंजेंट बना लो। तो तुमने क्या किया, किसी भी पॉइंट पर ऐसे तुमने टेंजेंट बना लिया। फिर तुम क्या करोगे, अगर ये वाला फोकस से और ये वाले फोकस से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे किसी भी टेंजेंट को, ठीक है, तो वो कहाँ जाके मीट करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल में मीट करेगा। ठीक है, मतलब तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये यहाँ जाके मीट करेगा। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये यहाँ जाके मीट करेगा। ठीक है, और साथ में इन ये जो परपेंडिकुलर होगा इनका अगर तुम प्रोडक्ट लोगे, दैट इज मैंने इसको पी वन बोल दिया, इसको पी वन बोल दिया, इसको पी टू बोल दिया, तो पी वन इंटू पी टू यहाँ पर क्या आता है, इस केस में ऐसे लिखते थे राइट, स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सेस, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ये तो किसके लिए किया, मैं एलिप्स के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली इन सेम लाइन यहाँ पर इसके लिए भी हो जाएगा, हाइपरबोला के लिए। जैसे अगर मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है, ये एक हाइपरबोला ऐसे बना दिया। अच्छा, इसका यहाँ पर ऑक्सिलरी सर्कल कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से इधर होता है इनके बीच में। ठीक है, फिर तुम क्या करो, किसी भी पॉइंट पर तुम टेंजेंट बना लो। तो इस पॉइंट पर मैंने अगर मैंने ऐसे टेंजेंट बना लिया इधर, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया पी, फिर तुम क्या करो, फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, यहाँ से जैसे फोकस मैंने इधर S1 ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, S2 ले लिया। तो जब भी तुम अगर टेंजेंट ड्रॉप, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे फोकस से, तो ये यहाँ के यहीं पे मीट करेगा। ठीक है, मतलब ऑक्सिलरी सर्कल पे ही मीट करेगा। वैसे यहाँ से तुम ड्रॉप करोगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे ही मीट करेगा। और इसमें भी इन दोनों का, अगर मैंने इसको P1 बोल दिया, इसको P2 बोल दिया, तो ये कितना जाएगा, P1, P2 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। इस केस में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इसको, दैट इज स्क्वायर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को प्रूफ नहीं करूँगा। ठीक है, तुम अगर चाहते हो देखना कि इसको प्रूफ कैसे किया, तो तुम एक काम करो, एलिप्स को पढ़ो। ठीक है, एलिप्स में हाईलाइट्स में मैंने इसको प्रूफ कर रखा है, एग्जैक्टली सेम लाइन पे ये भी प्रूफ हो जाएगा। मतलब इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर बोलना चाहूँ तो ज़्यादा फर्क है भी नहीं। क्यों ज़्यादा फर्क है भी नहीं, क्यों, क्योंकि जो चीज़ एलिप्स के लिए किया गया था वही चीज़ हाइपरबोला में तुम बस क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर दो। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पर इसको प्रूफ नहीं करूँगा क्योंकि इसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, बस मैं तुमको आइडिया दे देता हूँ कैसे करते हैं इसको। जैसे यहाँ याद करो, इसको मैंने यहाँ पर एच कॉमा के ले लूँगा, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा पॉइंट पी पे, वहाँ पर एच कॉमा इसके सेटिस्फाई कराऊंगा, फिर किसकी इक्वेशन बनाऊंगा, इस लाइन की इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, उसमें एच कॉमा के सेटिस्फाई कराएंगे और फिर बस हो जाएगा। ठीक है, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली उन दोनों को सॉल्व करेंगे, वहाँ से जो m होगा, जो पैरामीटर है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट, उसको एलिमिनेट करेंगे। जाके तुम देख लेना, कर चुके हैं इसको ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो गया, हाईलाइट टू। ठीक है, इसको लिख लेते हैं,
the portion of tangent between the point of contact and directrix subtend right angle, okay, subtend a right angle at focus, ठीक है. ये एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी हमने एलिप्स में भी किया है, एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी हमने पैराबोला में भी किया है, ठीक है. तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया सेम एस पैराबोला, ठीक है, एलिप्स. ठीक है, क्या बोल रखा है ये कि तुम क्या करो, इस तरह से ये बना लो, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ठीक है. इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स कहीं इधर होगा, ठीक है. फिर तुम क्या करो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे ये टेंजेंट बना, इस तरह से ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, Q, ठीक है. दैट इज द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स मेक्स राइट एंगल एट फोकस. तो यहाँ पर क्या होगा, इधर और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है. तो हाँ, एक्चुअली यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए कि मेक राइट एंगल एट द करस्पॉन्डिंग फोकस. करस्पॉन्डिंग फोकस पे होगा ये, ठीक है. तो तुम चाहो तो लिख सकते हो इसको करस्पॉन्डिंग फोकस, यहाँ पर ऐसे लिख लोगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग फोकस. ऐसी सेम एग्जैक्टली प्रॉपर्टी किसमें थी, एलिप्स में भी थी. एलिप्स में भी देखो, अगर याद करो, इस तरह से हमने किया था, ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे ये एलिप्स बना दिया, यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स ले ली, ठीक है. यहाँ से फिर मैंने क्या किया, इसको टेंजेंट बनाया ऐसे, तो फिर यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और ये फोकस पे क्या करेगा, 90 बनाएगा. वैसे सेम पैराबोला के लिए क्या किया था, इस तरह से, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये पैराबोला था, डायरेक्ट्रिक्स उसकी यहाँ पर होती है. तुम क्या करो, किसी भी पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बनाओ, ये पी हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया, क्यू. इसने भी क्या किया था, फोकस पे 90 बनाया था, ठीक है, एग्जैक्टली सेम. तो कैसे प्रूफ किया था, यहाँ पर पी वाले पॉइंट को तुम एक काम करो, ऐसे ले लो, ए sec थीटा, बी tan थीटा, ठीक है. एस वन तुम्हें पता है ए ई कॉमा जीरो, क्यू वाला कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है कि क्यू का ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये तो ए बाई ई होगा, ठीक है. वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तुम टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, ठीक है. टेंजेंट की इक्वेशन में तुम एक्स की जगह ए बाई ई डालो, अपने आप तुम्हारे पास वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है. फिर तुम क्या करोगे, इसका स्लोप निकालो एम वन, इसका स्लोप निकालो एम टू. कैसे निकालोगे स्लोप, वही सेम वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, अपने आप माइनस वन आ जाएगा, ठीक है. करके देख लेना अगर तुम चाहो तो, ठीक है. मैं ऑब्वियसली नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग दो दो बार कर चुके हैं इसको, ठीक है. फाइन, नेक्स्ट, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर्टी थ्री, ठीक है. प्रॉपर्टी थ्री भी एग्जैक्टली सेम एज एलिप्स एंड पैराबोला है, ठीक है. पर इसको लिख लेते हैं अच्छे से. तो कैसे लिख लिया, द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ अ हाइपरबोला, ओके, bisects the angle between focal radii. पढ़ रखा है हमने ellipse के लिए और साथ में parabola के लिए भी, ठीक है. क्या मतलब है इसका, मतलब समझो इस तरह से अगर तुमने ये बना दिया, ठीक है, ऐसे और ये बना दिया इसको, ठीक है. तुम क्या करो, किसी भी पॉइंट पे एक तो tangent बना लो, तो tangent कैसे हो जाएगा, इस पॉइंट पे let's say ऐसे हो गया, ठीक है. perpendicular कैसे हो जाएगा, मतलब perpendicular मतलब normal कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. मैंने बोल दिया यहाँ पर ये n है, यहाँ पर ये क्या है, t है. तो क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, s1 ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, s2 ले लिया. तो फिर तुम क्या करो, इसको ज्वाइन करो, ठीक है. इसको यहाँ पर ज्वाइन किया, इसको यहाँ पर ज्वाइन किया. तो पहली बात तो टेंजेंट यहाँ पर इसको और इसको क्या करेगा, बाइसेक करेगा, और नॉर्मल भी क्या करेगा, इसको बाइसेक करेगा. कैसे बाइसेक करेगा, तुम इसको क्या करो, एक्सटेंड कर दो, ठीक है. जैसे इसको अगर एक्सटेंड किया, इसको यहाँ पर एक्सटेंड किया, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर अब पाई बाई टू माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है. और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम पाई बाई टू माइनस अल्फा हो जाएगा. अरे समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है. ऑलरेडी हम इसको प्रूफ कर चुके हैं एलिप्स के लिए, ऐसे प्रूफ करोगे. देखो तुम क्या दिखा दो, पी एस टू अपॉन पी एस वन इज इक्वल्स टू एस टू टी अपॉन यहाँ पर क्या दिखा दो, एस वन टी. अगर तुम ये प्रूफ कर दोगे तो हो जाएगा. आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पर पी एस टू, तो यहाँ पर बेसिकली हमें पता ही है क्या होता है पी एस टू, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो फोकल डिस्टेंस होता है. फोकल डिस्टेंस कैसे लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, ये ए ई
यहाँ पर a कॉमन आता है, यहाँ पर हो जाता है sec थीटा प्लस वन हो जाएगा। प्लस वन क्यों लिखा हमने, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में लिखा है ये, इसके रिस्पेक्ट में लिखा है, किसके s2 के रिस्पेक्ट में लिखा है, राइट। और वैसे यहाँ पर क्या करो, पी एस वन निकालो, पी एस वन कितना हो जाएगा ए ई, ये कितना हो जाएगा sec थीटा माइनस वन हो जाएगा। वैसे यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, एस टू टी निकाल सकते हो, टी के तुम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। टी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, ठीक है, और उसमें क्या करो वाई को जीरो कर दो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस तरह से तुम क्या करो, एस टू टी निकाल दो और फिर टी एस वन निकालो, इन दोनों का रेशियो प्रूफ कर दो, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पर टेंजेंट क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब किसको डिवाइड कर रहा है, एंगल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बन रहा है ये। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि इस केस में यहाँ पर टेंजेंट क्या बन रहा है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बन रहा है। एलिप्स में क्या बनता था टेंजेंट, टेंजेंट एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनता था, ठीक है। इस केस में यहाँ पर टेंजेंट क्या बन रहा है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, और नॉर्मल क्या बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर टेंजेंट क्या है, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, और नॉर्मल यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एलिप्स में बोला था रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। और तुम क्या बोल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था एलिप्स में कि अगर एक एक फोकस से लाइट आ रही है तो वो क्या करेगा, कर्व में, मतलब एलिप्स में रिफ्लेक्ट होकर दूसरे दूसरे फोकस में चला जाएगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगी, समझो। यहाँ पर तो कैसे होगा, देखो तुम ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई लाइट S1 के तरफ आ रही है, S1 के तरफ आ रही है, मतलब देखो ऐसे बोल दिया मैंने, कोई लाइट अगर यहाँ पर S1 के तरफ आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये हाइपरबोला को टकराएगी, हाइपरबोला के आउटर आउटर पार्ट को टकराएगी, और फिर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके ये दूसरे तरफ S2 के पास चली जाएगी। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये जो पर्टिकुलर नॉर्मल है इसको यहाँ पर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई लाइट अगर S1 के तरफ आ रही है, क्योंकि वो S1 के तरफ तो थोड़ी ना जाएगी, क्यों, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट होगी, राइट। S1 के तरफ अगर वो आएगी तो आउटर सरफेस से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर S2 के पास चली जाएगी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा ही लिखा है कि S1 से अगर आ रही है तो S2 के पास चली जाएगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या किया, लिख दिया, चलो ऐसे लिख दिया इसको यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, ऐसे लिख लिया, विच स्टेट्स दैट एनी इनकमिंग, ठीक है, लिखते जाओ, एनी इनकमिंग लाइट रे aimed towards S1, ठीक है, aimed towards S1 का मतलब है aimed towards one focus, okay, is reflected from outer surface, वही सब लिख रहे हैं जो अभी मैंने बोला, is reflected from outer surface of hyperbola, ठीक है, towards S2, that is other focus. I hope तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। So this is reflection property of hyperbola. Okay. ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाईलाइट नंबर थ्री। अच्छा, हाईलाइट नंबर थ्री में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, समझो यहाँ पर एक एलिप्स है और एक हाइपरबोला है, और दोनों यहाँ पर क्या है, कॉन्फोकल है। कॉन्फोकल का मतलब क्या होता है, दोनों का फोकस यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसको बना रहा हूँ, ठीक है, तुम देखते जाओ, ऐसे बना दिया, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एलिप्स हो गया, ठीक है। फिर तुम यहाँ पर क्या करो, एक हाइपरबोला ऐसे बना दो, एक हाइपरबोला ऐसे बना दो। मैं क्या चाहता हूँ कि ये यहाँ पर क्या हो जाए, कॉन्फोकल हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही फोकस हो गया इन दोनों के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर हाइपरबोला और एलिप्स यहाँ पर कॉन्फोकल हो जाएंगे तो दोनों के लिए रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगने वाली है। दोनों के लिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, ऐसे यहाँ पर ज्वाइन किया। तो अगर मैं यहाँ पर एलिप्स के लिए बात करता हूँ, तब तो यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर नॉर्मल बनता है एलिप्स के लिए, वो क्या करता है, इन दोनों को डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करेगा,
इसको ये अल्फा हो गया और यहाँ से ये कितना हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक है। और इस इलिप्स के लिए, ठीक है, अभी हम लोग इलिप्स के लिए बात कर रहे हैं, इलिप्स के लिए जब तुम यहाँ से टेंजेंट बनाओगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये भी इसको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनता है। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तो तुम देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर हाइपरबोला के लिए बात कर रहा हूँ तो हाइपरबोला के लिए भी एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। कैसे हो रहा है कि मतलब ये जो इलिप्स का जो नॉर्मल है बेसिकली यहाँ पर हाइपरबोला के लिए यहाँ पर क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है और वो उसको एग्जैक्टली वैसे ही बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो इलिप्स के लिए यहाँ पर टेंजेंट है, देखो मैंने क्या बोल दिया, जो इलिप्स के लिए यहाँ पर टेंजेंट है वो बेसिकली क्या बनेगा, नॉर्मल किसके लिए बनेगा, हाइपरबोला के लिए बन जाएगा। और फिर नॉर्मल बन गया हाइपरबोला के लिए तो वो उसके लिए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बन गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए जो यहाँ पर नॉर्मल किसके लिए है, इलिप्स के लिए है, ये क्या टेंजेंट किसके लिए बन रहा है, ये हाइपरबोला के लिए बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर से क्या बोल सकता हूँ, पहली बात तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी दोनों के लिए लग रही है, ठीक है, एक का नॉर्मल दूसरे का टेंजेंट बन रहा है। और एक और चीज़ ये बोल सकते हैं कि अगर एक का नॉर्मल दूसरे का टेंजेंट बन रहा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दोनों टेंजेंट, ठीक है, दोनों टेंजेंट इलिप्स और हाइपरबोला के एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सीधी सी बात है, देखो अगर एक का टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल बन गया, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हो गए। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर कोई इलिप्स और हाइपरबोला अगर कभी भी कॉन्फोकल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्थोगोनल भी हो जाते हैं। ऑर्थोगोनल हो जाते हैं मतलब दोनों कहाँ काटते हैं, 90 पे काटते हैं। जैसे एक यहाँ पर पॉइंट पे काट लिया, वैसे यहाँ पर भी काटेगा, यहाँ पर भी काटेगा और यहाँ पर भी काटेगा। आई होप समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लिया, क्या बोल दिया इसमें, ऐसे लिख लिया, इफ एलिप्स एंड हाइपरबोला आर कॉन्फोकल, ठीक है, कॉन्फोकल का मतलब क्या है, सेम फोकस, मैं तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, राइट, आर कॉन्फोकल देन दे आर ऑर्थोगोनल, दे आर मतलब किसको बोल रहे हैं, दे आर ऑर्थोगोनल, किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, दे का मतलब एलिप्स एंड हाइपरबोला, देन दे आर ऑर्थोगोनल एट, ऐसे लिख सकते हैं, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सही है, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट होगा वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया, हाईलाइट थ्री में ही, तुम इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, इसका बी पार्ट, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी करते हैं।